हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के माय रेसिपी है प्याज पराठे एंड आलू की भुजिया। ये बहुत ही इजी और कम टाइम में बन जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्याज पराठे के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच कलौंजी है। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और 2-3 हरी मिर्ची है। चलिए आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। आटा को उसमें डाल दिया है, नमक, कलौंजी और अजवाइन को हम ऐसे क्रस्ट करके डालेंगे, इसकी खुशबू अच्छी आती है। हरी मिर्ची और प्याज, सभी को अच्छे से मिक्स करके हम डो रेडी कर देंगे। मोड़ नहीं देना है हमें, सिंपली पानी से गूंदना है। प्याज पराठा को मैं आलू की भुजिया के साथ खाने वाली हूँ, तो आज मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने 4-5 मीडियम साइज के आलू को देखिए पतले पतले मैंने काट लिया है इस तरीके से। 2-3 हरी मिर्ची ली है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर और आधी चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया है। तो चलिए भुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज के पराठे का मैंने डो रेडी कर लिया है, अभी जब तक रेस्ट हो रहा है तब तक भुजिया बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा डाल देंगे। सिंपल भुजिया है, कोई ताम झाम नहीं, सिर्फ आलू और हरी मिर्ची की भुजिया है, कोई प्याज डाला है मैंने इसमें। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा और घटा सकते हैं। ढक के थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाइए। एक बार देखते हैं क्या हाल है हमारे आलू का। थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, अभी मैं इसे और भी ब्राउन करना है तब मसाला डालेंगे। 2-3 मिनट अभी और भुनेंगे ढक के। देखते हैं आलू हमारा भुन चुका है। हाँ, ये भुन चुका है, आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है। तो मैं सारे मसाले डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, सब्जी मसाला और नमक। सारी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि मसाला भून जाए और हमारा जो आलू है वो गल जाए। अभी हमें ढक के और पकाएंगे 5-7 मिनट तक। फाइव टू सेवन मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हमारे भुजिया का क्या हाल है। ये परफेक्ट हो चुका है और ये गल भी चुके हैं, आराम से टूट रहे हैं, इट मीन्स ये गल चुके हैं। तो आप भी इसे ट्राई करिए और ये पराठे के साथ बड़ा ही मजा आता है। प्लेन पराठे के साथ भी अच्छा लगता है और प्याज का पराठे के साथ तो और भी अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप भी ट्राई करिए।
कम आंच में तो मैंने तो बना लिया था ढक ढक के। अब मैं थोड़ी देर 2 to 3 मिनट्स तेज आंच पे इसे चला रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बनी है ये। अब ये बन चुका है, अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इतनी छोटी छोटी लोई ली है। दोनों तरफ से सिक चुके हैं पराठे। पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको मैं आलू की भुजिया के साथ गरम गरम परोसूंगी। अब आप देख सकते हैं हमारे प्याज पराठा और आलू की भुजिया रेडी हो चुकी है। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी बने हैं। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।